Wrong number. Hat pakdo. Tum Poland se ho na? Haan. Ye mooch nikalo. Ab Poland wale puchhenge India mein kya ukhada to kehna ye. भैया आज हमारे जजेज की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। कैसे? एक तरफ गंजा, दूसरी तरफ मिसेज बिगंजा। एक को कुछ याद नहीं रहता है और दूसरे को कोई याद करना नहीं चाहता है। हम अपने बारे में बताते सोहेल भाई, हम पीके हूँ पीके, दूसरे गोले से आया हूँ। सोहेल भाई हमको एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे आप लोग दुनिया में आते हैं हम भी वैसे ही आपकी दुनिया में आए ओपनली, पर हमको देख के लोगों की चीख कहाँ निकल जाती है। कल करिश्मा ने तो हट कर दिया, हमको देख के ऐसे चीख पड़ी। हमने कहा चीख रही हुए तो सही है, हाथ तो सही जगह रखो, तब जाके ऐसे चीखी। पहले ये वाला जो एक्ट है ये बलराज करने वाला था। अच्छा। डायरेक्टर ने कहा रेडियो मुंह पे रखना, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा गंदी है उसको ढकना है। वैसे सच बताएं हम भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हमारी जिंदगी लुल हो गई है, हमारा स्क्रिप्ट चोरी हो गया है। अच्छा आपको कैसे पता? और आपको तो बिल्कुल नहीं पता गजनी है। किसी को स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी है का? मेरे पास पूरी जानकारी है, यहाँ कोई उतरा है? कोई तो है, मैं उसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने ऊपर से किसी को नीचे आते हुए देखा है? हाँ, तुम्हारे करियर को। ये बताओ तुम हो कौन, बड़े बड़े कानों वाले? मेरा छोड़ो, मैं तो पीके हूँ, तुम कौन हो, औरत जैसे मुंह पे चोंच लेके घूमने वाली महिला? ए, मेरे होठों के बारे में ना कुछ मत बोलना। इसका मुंह देख के ऐसा लगता है अंडर डो मजदूर बिठा रखे हैं जो होठ बाहर फेंक रहे हैं। ज्यादा मत बोलो, मेरा पति एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है। आज पता चला है उसको शतक का और बटक का दोनों का शौक है। उसके शतक के बारे में कुछ मत कहना। देखा, बटक पे अभी भी इसको कोई एतराज नहीं है। कौन हो तुम बे? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हो? अच्छा, तुम ही हो जो रात में टीवी पे दाढ़ी लगा के आती हो, चैन से सोना है तो टीवी बंद करो। मैं जगत जननी हूँ, सनसनी नहीं। हे भगवान, तुम वो भी नहीं हो, आजकल नल्ले लोग दाढ़ी लगा के हिट हो जा रहे हैं। तुम हॉट ड्रेस में भी हिट नहीं हो पा रही हो। चुप करो, मुंह से बड़े तो तुम्हारे कान है, हो कौन? हमारे गोले पे सबका कुछ न कुछ बड़ा होता है। अरे किसी की कान बड़ी होती है, किसी की आंख बड़ी होती है, हमारे ताऊजी की तो नाभि इतनी बड़ी थी। आ? उसमें पानी भर के मग्गा से नहाया करते थे। लेकिन अगर तुम एलियन हो तो हमारे जैसे कपड़े लाए कहां से? डांसिंग कार से। और बताने को हम सच्चाई भी बता सकते हैं, भलाई इसी में है कि आप ही हमको एक स्क्रिप्ट दे दीजिए। अरे पर ये कहाँ से स्क्रिप्ट लाएंगे? तो तुम ही हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा ठीक है, एक बाबा है, उनके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। ए, क्या झूठ बोल रही हो? बाबा के पास अगर अच्छी स्क्रिप्ट होती तो भूमि शाह बीबी गैंगस्टर 3 हिट नहीं हुई होती। वो वाले बाबा नहीं है, कोई दूसरे बाबा आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनसे स्क्रिप्ट मांग लेना। अच्छा कहाँ है? आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। तेरे को किसी ने बताया नहीं, आज संजू चल रहा है, गंजू नहीं। बकवास बंद करो, हम बहुत चमत्कारी हैं, हम लोगों की अंधेर जिंदगी में उजाला भर देते हैं। बिल्कुल भरती होगी, बल्ब जैसा मुंह लेके जो घूम रही हो। दर्शक विद्यमान हो चुके हैं, अब आप हमारा साक्षात्कार प्रारंभ करें, किंचित समय में ही हमें एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु प्रस्थान करना है, प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न तो ये है, इतनी हिंदी, नाश्ते में शेखर सुमन खा के आई हो क्या? कौन है ये तुच्छ प्राणी? ए, शेखर सुमन को नहीं जानती हो? पानी वाली हो कि मलाई वाली? अच्छा सुनो, ये मुंह लेके अर्चन जी का घर मत जाना। क्यों? उनका लड़का फुटबॉल का एक्सपर्ट है, 2 मिनट में गोल कर देगा। बकवास कर रहे हो, पीके हो क्या? देखा चमत्कारी है, इन्हें आपका नाम भी पता है। हमारी स्क्रिप्ट चोरी हो गई, हमको हमारी स्क्रिप्ट दिला दो प्लीज। अरे स्क्रिप्ट कुछ नहीं होती, सुपरस्टार अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वैसे तुमने अपनी स्क्रिप्ट पाने के लिए क्या क्या किया? अरे हमने पूरे बॉलीवुड का चक्कर लगाया, दरअसल हम हाथ पकड़ के मन की बात जान जाते हैं, तो हमको लगा जौन आदमी हमारा स्क्रिप्ट चुराया होगा उसके मन में हमारी स्क्रिप्ट चल रही होगी,
इस चक्कर में हमने पूरे इंडस्ट्री का हाथ पकड़ा। तो सबसे पहले किसका हाथ पकड़ा? अर्चना जी का। अर्चना जी का स्क्रिप्ट के लिए? नहीं, परमिट के लिए, गला दबा रही थी उसका। उसके बाद हम भट्ट साहब के पास चले गए। तो उनका हाथ पकड़ा? वो खुद अपना हाथ नहीं पकड़ पा रहे थे। हमने कहा भट्ट साहब क्या कर रहे हैं? बोले जिस्म के अगले पार्ट की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था स्क्रिप्ट नहीं, फिल्म में स्टार चलाते हैं। ये बात कौन कह रहा है जो ना जिंदगी में कभी स्टार बन सकती है और ना ही जिसको हम लोग कभी स्क्रिप्ट देते हैं। सही तो कह रही है, शो हम जैसे स्टार्स की वजह से चलता है। हंसा के मार डाली आज पागल। खुद को स्टार कौन कह रहा है सोहेल भाई, जिसके घर में आजकल दूध भी सांप की वजह से आ रहे हैं। स्क्रिप्ट ही सब कुछ होती है। हाँ, स्क्रिप्ट ही अगर होती है तो ये बताओ कि बाहुबली किसकी वजह से चली, स्टार की वजह से या स्क्रिप्ट की वजह से? स्क्रिप्ट की वजह से, क्योंकि कटप्पा जैसा मुंह स्टारडम की कैटेगरी में नहीं आता है। किसी डायरेक्टर से पूछ लेते हैं। एक काम करते हैं, परमीट से पूछते हैं। फोन तो कर लूं एक मिनट। हेलो संतोष भाई, वो बाजू वाली खोली से परमीट को बुलाना। हेलो परमीट भाई, एक आउट ऑफ सिलेबस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बॉलीवुड से रिलेटेड है। कौन बड़ा होता है, स्क्रिप्ट बड़ी होती है कि स्टार बड़ा होता है? कह रहे हैं अर्चना बड़ी होती है। आजकल हमारे घर में वही कमा रही है। एक काम करो, सोहेल को कॉल करो। सोहेल भाई को फोन करूं? सोहेल भाई, एक मिनट, अभी भी लड़की बोल रही है, रुको स्पीकर पे डालता हूँ। पर्याप्त बैलेंस ना होने की वजह से इस नंबर पर इनकमिंग कॉल की सेवा बंद कर दी गई। सॉरी, मैं भूल गया था, सर्कस का चेक तो 7 दिन बाद आता है। एक मिनट, एक काम करते हैं, अपने शो के डायरेक्टर से पूछते हैं। हाँ, रुको। हेलो निकुल सर। बोल बे कुत्ते। सर आप स्पीकर पे हैं। ओ पारितोष सर, कैसे हैं? अच्छा सर, स्क्रिप्ट बड़ी होती है कि स्टार बड़े होते हैं? डायरेक्टर बड़ा होता है। और एक्ट जल्दी खत्म करो वरना नंगा करके फिर से रेडियो दे दूंगा।